इधर चुनावी दहलीज पर खड़े मध्य प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 3 महीने में 4 बार आ चुके हैं। इसी महीने कम से कम 3 बार और आएंगे। पीएम मोदी का 14 सितंबर को सागर के बीना और 25 सितंबर को भोपाल में विजिट फाइनल हो चुका है। बीना में मोदी 50,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट विस्तार का शुभारंभ करेंगे, जबकि राजधानी भोपाल में 10 लाख कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीना में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स में भूमि पूजन में शामिल होने के लिए एमपी आ रहे हैं। इससे बीना में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। सिर्फ बीना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है। साथ ही राज्य सरकार का दावा है कि प्रोजेक्ट पूरा होने पर 2 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक की शुरुआत भी करने वाले हैं। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताते हैं। सुबह 8:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एयरपोर्ट से भोपाल के लिए रवाना होंगे और सुबह 10:05 पर भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से 10:10 पर भोपाल से बीना के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:05 पर बीना पहुंचेंगे, जहां 11:15 से बीना रिफाइनरी प्रोजेक्ट के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही फिर दोपहर 12:30 बीना से भोपाल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और 1:30 भोपाल एयरपोर्ट आएंगे। फिर यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:45 पर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ गए। वैभव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद ही खास दौरा माना जा रहा है और चुनावी साल ऐसे में कई बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं और आगे भी ये गुंजाइश जताई जा रही है कि कई बार अभी मध्य प्रदेश आना बाकी है। ऐसे में 14 सितंबर को सागर में बीना भी आने वाले हैं। किस प्रकार से देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को चुनावी लिहाज से? प्रदेश में चुनाव होने हैं और आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में है। एक सूची जारी हो चुकी है मध्य प्रदेश में प्रत्याशी को लेकर और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही दूसरे प्रत्याशी भी की सूची जल्द ही जारी हो सकती है। इसी बीच कल बीना आ रहे हैं पीएम मोदी। यहाँ पर वो पेट्रोकेमिकल जो संयंत्र है उसका विस्तारीकरण का जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे और इस कार्यक्रम के बाद या जब विस्तारीकरण का जब काम पूरा हो जाएगा अनुपमा, तो करीबन 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार की दृष्टि से भी ये बेहद अहम रहेगा कार्यक्रम। इसके साथ ही बुंदेलखंड का में आता है बीना। तो बुंदेलखंड में जिस तरह से बीजेपी की स्थिति मजबूत है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे सागर में, जहां जिस तरह से उन्होंने जो वोट बैंक होता है आरक्षित वर्ग का जो वोट बैंक, तो उसे साधने की कोशिश की थी। तो अब एक बार पीएम मोदी आ रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण उनका दौरा रहेगा। मिनट टू मिनट कार्यक्रम आ चुका है और जब वो बीना पहुंचेंगे तो बीना से वो रोजगार की बात तो करेंगे ही, लेकिन कई चुनावी बातें भी होंगी। चुनावी बातों का मतलब ये है कि वो बताने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कहें डबल इंजन की सरकार किस तरीके से काम कर रही है युवाओं के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, पुरुषों के विकास के लिए। इसके साथ ही चूंकि जब रोजगार बढ़ता है अनुपमा, तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक प्रगति होती है किसी प्रदेश की, उसमें भी कह सकते हैं कि तेजी से जो परसेंटेज होता है ग्रोथ का वो भी बढ़ता है। तो पीएम मोदी कल आ रहे हैं, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे ताकि कार्यक्रम में किसी तरह की कोई दिक्कत ना जाए, क्योंकि जिस तरह का फोरकास्ट है मौसम विभाग से जानकारी मिली है कि कल भी तेज बारिश की संभावना बीना में है। तो पीएम मोदी के कार्यक्रम में किसी भी तरह का खलल ना पड़े, इसको देखकर भी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। तो कल पीएम मोदी आएंगे, सबसे पहले वो भोपाल आएंगे, भोपाल में उनका स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उसके साथ ही मिनिस्टर इन वेटिंग नरोत्तम मिश्रा। यहाँ से वो बीना जाएंगे और पूरे ही मध्य प्रदेश में करीबन 3.5 घंटे का वो समय बिताएंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है पीएम मोदी का। जी वैभव, यहाँ पर निवेश की बात भी कही जा रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया था, जहां पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में और इतने बड़े खर्चे के साथ में निवेश होगा। ऐसे में आसपास के जिलों की बात कर ली जाए तो उनकी तस्वीर और तकदीर किस प्रकार से बदलेगी?
हाँ, तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बनेगी। जब बीना रिफाइनरी का काम शुरू हुआ था उसके बाद से ही उस क्षेत्र की जो ज़मीनें थी अनुपमा, उनकी कीमतों में भारी इजाफा हुआ था। चूँकि जब कंपनी ने काम शुरू किया था, बीना रिफाइनरी का जब काम शुरू हुआ, तो आसपास के जो क्षेत्र है उसके युवाओं को कुछ परसेंटेज रोजगार दिया गया था। और जब पेट्रोकेमिकल संयंत्र का विस्तारीकरण के काम के लिए पीएम मोदी मध्य प्रदेश के बीना आ रहे हैं, जब ये काम पूरा हो जाएगा तो 3 लाख युवाओं को तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा ही। इसके साथ ही चूंकि जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। बीना में कार्यक्रम हो रहा है, बीना से बहुत ज़्यादा दूर भोपाल भी नहीं है, इसके साथ ही सागर भी बीना के नज़दीक ही पड़ता है, तो इन सभी जो आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ इफेक्ट पड़ेगा। चूँकि पीएम मोदी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, तो एक तरह से एक संकेत या एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र व राज्य सरकार मिलकर किस तरह से मध्य प्रदेश के विकास को लेकर सोच रहे हैं, मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो बिल्कुल कई सारे फायदे यहाँ पर होने वाले हैं, चाहे रोजगार की बात कर ली जाए, महिलाओं के लिए बात की जाए, या फिर राजस्व में बढ़ोतरी की बात कर ली जाए। यानी कि काम एक लेकिन रोजगार के साथ ही साथ नाम अनेक। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 14 सितंबर को सागर जिले के बीना आएंगे, जहां पर वो शुभारंभ भी करने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए 25 सितंबर की, तो 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं राजधानी भोपाल, जहां पर कार्यकर्ताओं का महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें शामिल भी होने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं मुलताई की, जहां मुलताई नगर को कई सालों से जिला बनाने की मांग की जा रही है। मुलताई को जिला बनाने को लेकर आंदोलन भी लगातार जारी है। आंदोलन में नगर को बंद करने का आह्वान किया गया, जिसको रहवासियों का भरपूर समर्थन मिला है। पूरा नगर मुलताई को जिला बनाने को लेकर समर्थन में आ गया है, जिसके चलते सभी व्यापारियों ने भी अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी।